हेलो देयर, आप देख रहे हैं द सेवेंथ ग्रेडर्स को और स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एज ऑफ टुमारो मूवी के बारे में। ये एक साइंस फिक्शन बेस्ड फिल्म है जिसे रिलीज किया गया था साल 2014 में। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि भला कोई कैसे कभी बिना मरे रह सकता है तो बने रहिए हमारे। मूवी की स्टोरी शुरू होती है साल 2015 में, जब मिमिक्स नाम के एलियंस एक एस्ट्रॉइड की वजह से जर्मनी में क्रैश लैंड करते हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से ऑलमोस्ट पूरे यूरोप पर अपना कब्जा कर लेते हैं। साल 2020 में UDF को एस्टैब्लिश किया जाता है, जो कि ग्लोबल मिलिट्री अलायंस है जिसे इन एलियंस से लड़ने के लिए बनाया गया होता है। UDF न्यूली डेवलप्ड मैक्स सूट्स की मदद से उन एलियंस को वर्डन फ्रांस में हरा देते हैं। वहीं ब्रिटेन में UDF फ्रांस में एक बहुत बड़ा हमला करने का प्लान कर रहे होते हैं और जनरल ब्रिगम US आर्मी के मेजर विलियम केज को इस मिशन की निगरानी करने को कहते हैं। पर केज के पास कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस ना होने की वजह से वो डर के मारे उल्टा जनरल ब्रिगम को ही खरी खोटी सुनाने लग जाता है और कहता है कि अगर ये मिशन फेल हुआ तो वो उसका ठीकरा उनके सर पर ही फोड़ देगा। ये सुनकर जनरल ब्रिगम मेजर केज को अरेस्ट करवा के हीथ्रो एयरपोर्ट भेज देते हैं, जो कि एक मिलिट्री बेस बन चुका है। केज उठता है और उसे पता चलता है कि उसकी बदतमीजी के लिए उसे मेजर से प्राइवेट की रैंक पर डिमोट कर दिया गया है। उसे मास्टर सर्जन फेरल के जे स्क्वाड में शामिल किया जाता है और वो लोग केज की बहुत अच्छे से खातिरदारी करते हैं। UDF का फ्रांस पर हमला शुरू होता है, पर जल्द ही वो मिशन एक बहुत बड़ा फेलियर बन जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फेरल और जे स्क्वाड लैंड करते ही एलियंस के हाथों मारे जाते हैं। केज खुद को एक बहुत ही बड़े और ब्लू कलर के मिमिक से बचाने के लिए हम तो डूबेंगे सनम पर तुमको भी ले डूबेंगे कहते हुए एक क्लेमोर माइन को एक्टिवेट कर देता है। उस ब्लास्ट की वजह से वो बुरी तरह घायल हो जाता है और उसके शरीर पर उस एलियन का खून बिखर जाता है। केज फिर से उठता है और देखता है कि उसके साथ वही सब हो रहा है जो उसके साथ पिछली सुबह हुआ था। वो सर्जन फेरल को आगे होने वाले इंसिडेंट्स की वार्निंग देने की कोशिश करता है, पर वो उसके बात पर ध्यान नहीं देते और वो दिन ब दिन बार बार लगातार बीच पर मरने और वापस हीथ्रो एयरपोर्ट पर उठने के लूप में फंस सा जाता है। ऐसी ही एक लूप में केज सार्जेंट रीटा ब्रेटास्की को बचाने की कोशिश करता है, जो बैटल ऑफ वर्डून की बहुत बड़ी हीरो होती है। रीटा को ये पता चल जाता है कि केज टाइम लूप कर सकता है और वो उसे अगली सुबह उसे आके मिलने को कहती है। केज अगली सुबह फिर उठता है और रीटा को ढूंढने निकल पड़ता है। वो उसे डॉक्टर कार्टर के पास ले जाती है, जो मिमिक्स की बायोलॉजी के एक्सपर्ट है। वो उन्हें बताता है कि मिमिक्स एक सुपर ऑर्गेनिज्म है जिसमें ओमेगा उनके माइंड को कंट्रोल करता है और अल्फाज ओमेगा के कमांड का पालन करते हैं। अल्फाज की मदद से बाकी मिमिक्स को कंट्रोल किया जाता है, इसीलिए जब एक अल्फा की मौत होती है तो ओमेगा दिन रिसेट कर देता है और हर दिन के साथ वो पहले की गई गलतियों को ना करते हुए बैटल जीत जाते हैं। केज ने जब उस माइन को फोड़ा तब अल्फा का ब्लड उसके ब्लड से मिक्स हो गया था, जिसकी वजह से उसमें अल्फा जैसी एबिलिटीज आ चुकी हैं। इसीलिए अब केज की मौत पर ओमेगा दिन को रीसेट कर देता है। रीटा के पास भी ये पावर्स थी, पर एक बैटल में बुरी तरह से घायल होने की वजह से उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ा और उसकी एबिलिटीज चली गई। वो केज को ओमेगा की लोकेशन का पता लगाकर उसे मारने को कहती है। फिर शुरू होता है केज की ट्रेनिंग का सिलसिला, जिसमें वो दिन ब दिन बार बार लगातार ट्रेनिंग में घायल होते जाता है और रीटा उसे मारकर दिन रिसेट कर देती है। केज लंदन जाता है और उसे पता चलता है कि मिमिक्स का अगला हमला वहीं पर होने वाला है। उसे जर्मनी में एक डैम के सपने आते हैं, जिसमें उसे डैम के अंदर बैठा हुआ ओमेगा दिखता है। वो फिर से उस दिन के बैटल में लड़ते लड़ते और मरते मरते आखिरकार उस डैम तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। इसी बीच केज रीटा को पसंद करने लग जाता है, पर रीटा सिर्फ अपने मिशन पर फोकस होती है। उनके सफर में एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके आगे रीटा सरवाइव नहीं कर पाएगी और एक मिमिक के हाथों मारी जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए केज उस जगह से डैम तक का सफर अकेले तय करता है और वहाँ ओमेगा के जगह अल्फा उसका इंतजार कर रहा होता है, जो उसे घायल करके उसके शरीर से खून बहाने की कोशिश करता है ताकि उससे वो एबिलिटी चली जाए। पर केज खुद को पानी में डुबा कर खुद की जान ले लेता है और दिन रिसेट हो जाता है। रीटा और केज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में घुस जाते हैं और जनरल ब्रिगम से डॉक्टर कार्टर के एक प्रोटोटाइप डिवाइस देने को कहते हैं, पर उनके पीछे मिलिट्री पड़ जाती है और उसी कार चेज के बीच में केज खुद में वो डिवाइस इंजेक्ट कर लेता है। ऐसा करने पे उसे दिखता है कि ओमेगा पेरिस के लवो पिरामिड के नीचे है, पर जल्द ही उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और केज बुरी तरह से इंजर हो जाता है, जिसकी वजह से उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है और वो अल्फा की एबिलिटीज खो देता है। रीटा केज को फ्री करके जे स्क्वाड को इकट्ठा करती है और वो लोग प्लान करते हैं कि कल सुबह होने वाले हमले से पहले उन्हें ओमेगा को मारना होगा। वो लोग पेरिस पहुंचते हैं, जहां जे स्क्वाड की बाकी मेंबर्स खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं ताकि रीटा और केज उस पिरामिड तक पहुंच जाए। रीटा केज को उसे इतने दूर तक पहुंचने में मदद करने के लिए किस करती है और निकल पड़ती है अल्फा को डिस्ट्रैक्ट करने, ताकि केज ओमेगा को मार सके।
पर अल्फा अपने नाम को साबित करते हुए पलक झपकते ही रीटा को खत्म कर देता है और केज पर भी हमला कर देता है। पर केज मरते मरते अपने साथ ग्रेनेड का बेल्ट ले जाता है और उस ब्लास्ट से ओमेगा, अल्फा और बाकी के सारे मिम्स मारे जाते हैं। मरने के बाद केज ओमेगा के खून में फ्लोट कर रहा होता है और फिर से दिन रिसेट हो जाता है। पर इस बार वो हमले के 2 दिन पहले उठता है जब वो जनरल ब्रिघम से मिलने जा रहा था। इस बार टाइमलाइन पूरी तरह बदल चुकी होती है। इस अल्टरनेट टाइमलाइन में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता है जिसमें जनरल अनाउंस करते हैं कि पेरिस में एक मिस्टीरियस एनर्जी ब्लास्ट डिटेक्ट किया गया है। वो कहते हैं कि सारे मिमिक्स मारे गए हैं और अब यूडीएफ की फोर्सेस पूरे यूरोप को सिक्योर करेंगी। वो देखता है कि जे स्क्वाड के सारे मेंबर्स जिंदा हैं और वो रीटा को भी ढूंढ लेता है। रीटा उससे उसी तरह पेश आती है जब वो उससे पहली बार मिला था, यानी एकदम रूड। पर इस बार वो उसके सवाल सुन के हंस पड़ता है। चलिए बात करते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में। मेजर विलियम केज का रोल किया है टॉम क्रूज ने। सार्जेंट रीटा ब्रटास्की का रोल किया है एमिली ब्लंट ने। सार्जेंट फेरल का रोल किया है बिल पैक्सटन ने। जनरल ब्रिघम का रोल किया है ब्रैंडन ग्लीसन ने। डॉक्टर कार्टर का रोल किया है नोवा टेलर ने। इस मूवी के डायरेक्टर हैं डग लीलैंड। तो अब सवाल आता है कि भला कोई बिना मरे कैसे रह सकता है? जवाब बहुत आसान है। अगर आप रियल लाइफ में कभी मरना नहीं चाहते तो आपको बस अल्फा की ब्लड से खुद के ब्लड को मिक्स करना होगा। है ना आसान? फिर दिन रिसेट और आप मजे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज की अमेजिंग स्टोरी टेलिंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम ऐसी ही अमेजिंग स्टोरी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।